शुभ और इमरान की बाइक पी, लेकिन अगर नेचर की नज़र से देख मस्त क्या आसपास देखो एकदम हरे भरपट्टी क्यों लगा दी है बना। लेकिन खैर ये तो रीज़न मुझे नहीं लगता कि हो। मुबारक हो बाइक साथ। वहाँ पर रुका था, सडनली मुझे याद आया कि यार बैग में रखी थी दूसरे खाने में, अगर नहीं मिलती तो भाई टक टक इतनी हो रही थी कि क्या ठंडा पीना चलता हुआ। अब देखो ज़रा अच्छे से, मैंने वाइट एंगल जो है ऑफ कर दिया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज का ये व्लॉग इस खूबसूरत जगह से शुरू होता हुआ, अगर ये खूबसूरत जगह देखनी है अच्छे से तो पिछला वाला व्लॉग जाके देख लेना। और यहाँ से अब मैं निकलता हूँ मेले के लिए, और अभी मोटर व्लॉग नहीं कर रहा, अब डायरेक्ट मेले में ही मिलते हैं। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं मेले पर, तकरीर चालू है। अभी जो ये आप देख रहे हैं ये है तालाब पूरा भरा हुआ। देखो यहाँ पर सामने है हजरत दादा जाम जकरा की दरगाह शरीफ, जिनका आज उर्स है। और सामने ही ये बहुत बड़ी लेक जो भरी हुई है, ऊपर भी आपने देखा पूरा सीन। अभी मैं थोड़ा ऊपर आया और यहाँ से पूरी लेक का व्यू देखो, पूरी वहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। अब देखो ज़रा अच्छे से, मैंने वाइट एंगल जो है ऑफ कर दिया है, कितनी ब्लू लग रही है एकदम ब्लू, और क्या बात है। और इस साइड सूरज की रोशनी में पूरी चमक रही है, पूरा चमक रहा है पानी। यहाँ पर ये दरगाह दादा जाम जकरा की, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है ऊपर। तो आज इनका उर्स है और हम आए थे यहाँ पर उर्स में, बस अब खाना वाना हो गया है और यहाँ से निकलेंगे अब घर के लिए शायद। ओके, तो अभी आपने देखा यहाँ पर दरगाह का सीन और तालाब का सीन, यहाँ पर दूसरी साइड से भी देख लो दरगाह का। और वहाँ वो सामने मेला था, तकरीर थी, वहाँ पर झूले वगैरह हैं, तो खैर उस साइड में नहीं जा रहा क्योंकि लेडीज़ भी हैं तो सही नहीं लगा मुझे जाना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी दरगाह का पेंट ऐसा डेकोरेशन, और सामने अपनी बाइक को मैं यहाँ पर ले आया हूँ दरगाह के सामने फोटोज वगैरह निकालने के लिए। और इधर है पानी और इधर बाइक। A few moments later. Right now, अभी हम हैं हैसर रोड के गेट के पास। तो गाइस अभी पहुंचे हैं नारायण सरोवर, ठंडा पीना चलता हुआ हमारा बेटा। अभी हैं हम नारायण सरोवर में और यहाँ पर ठंडा वंडा थोड़ा पिया और बस अब निकलते हैं घर के लिए रिटर्न। चलो भाई चला जाए। नारायण सरोवर की गलियों से निकलते हुए अब हम बस ठंडा पीने के लिए आए थे यहाँ पर और कुछ
नहीं है हमारा काम यहाँ पर, इधर बस चलो भाई यहाँ से निकला जाए। फाइनली निकल चुके हैं हम घर के लिए, टाइम हो रहा है 3:10 बाकी हैं, तो अगर हम धीरे धीरे निकलेंगे जाएंगे तो हो सकता है हम 6:05 या 6 पहुंच जाएं घर आराम से का। अब देखना गाइस सीन कितना गजब का सीन आ रहा है, कितना मस्त व्यू लग रहा है नारायण सरोवर की इस रोड पर। दोनों तरफ जो है समंदर, ये देखो पूरा समंदर है इस साइड और इस साइड भी है। अब देखो यहाँ पर पूरा समंदर और बीच में से रोड, कितनी मस्त लग रही है। चारों तरफ दूर दूर तक समंदर ही समंदर, और इस साइड भी पूरा समंदर का पानी। चलो आप लोग देखो पूरा वो वहाँ सामने गेट है ना, उसके बाद फिर बंद करूँगा, फिर आगे स्टार्ट करूँगा वीडियोस को। काफ़ी ओवरऑल मज़ा आया, हालांकि धूप भी थी तो थोड़ा बीच में ऐसा मूड नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो उसको भी थोड़ा ऐसे अपने आप को बोला कि चलो भाई इतना दूर आए हो तो वीडियो बनाओ। और सीन शूट किए हैं मैंने, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं एडिटिंग में देखूंगा। अब ये वाला पार्ट जो है शायद मैं दूसरे वीडियो में स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बीच एंड नहीं किया अभी तक एक भी पार्ट। और ये रहा नारायण सरोवर कोटेश्वर का गेट यहाँ पर, चलो भाई यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। मांडवी यहाँ से है 142 किलोमीटर्स मांडवी है यहाँ से, मोटा मोटा 3 हमें लगने वाला है। ठंडी हवा चल रही है और धूप भी है, एकदम सर के ऊपर है सूरज, हवा ठंडी चल रही है, ऐसा नहीं है कि धूप की वजह से गर्मी लू लग रही हो, ठंडी हवा चल रही है, तो इस वजह से राइड करने में भी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छी राइड रही है अब तक हमारी, और होपफुली घर तक एकदम ऐसा ही अच्छी राइड रहे और एंजॉय करते हुए आए हैं, तो एंजॉय करते हुए हम पहुँच जाएँ सही सलामत। वहाँ पर रुका था, सडनली मुझे याद आया कि यार पॉकेट मैंने कहाँ रख दी, तो फिर बैग में ढूंढा और पॉकेट मिल गई। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे बैग में रखी थी दूसरे खाने में, अगर नहीं मिलती तो भाई टक टक इतनी हो रही थी कि क्या बताऊँ भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वाले, अगर वो खो जाते तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। देखो ये देखो बाइक सर्विस करने का अच्छा तरीका है, मुबारक हो बाइक सर्विस हो गई तुम्हारी। नहीं भाई नो, ऐसे ही अच्छी है। ये देखो भाई पूरी नदी भरी हुई है, ओ वहाँ पर पानी बह रहा है, इधर भी नीचे से निकल रहा होगा कहीं से ना कहीं। आसपास देखो एकदम हरे भरे खेत भी दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली भी है और रोड भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन रोड की इस वक्त है, ये सिंगल पट्टी रोड है। पता नहीं ये वाली बीच में सिंगल पट्टी क्यों लगा दी है, वरना इधर तो बहुत टूरिज्म आता है नारायण सरोवर कोटेश्वर लखपत की ओर भी, यहाँ से भी जाते हैं बहुत लोग, तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाला पैच क्यों इतना जो है सिंगल पट्टी रखा है। एटलीस्ट हो सकता है कि यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर जानवर ज़्यादा हैं, जंगली जानवर, तो इस वजह से। लेकिन खैर ये तो रीज़न मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। सुबह और इमरान की बाइक पीछे रह गई है, थोड़ा स्लो कर लूँ
और आसपास के नज़ारे भी देख लो भाई। ऐसे है जंगल बुरा, लेकिन अगर नेचर की नज़र से देखें तो ये खूबसूरती है। और जिसको नेचर से प्यार हो, नेचर अच्छा लगता हो, वही इन चीज़ों को समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता।